दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। आज बात करेंगे तुलसी जी के बारे में। तुलसी का प्लांट जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, ये देखिए मेरा ये तुलसी का प्लांट है। तो इसकी मैं आज सीड कलेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इसके जो सीड हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो मैं बताऊँगी कि इनके सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। ये तुलसी के सीड्स हैं और ये जो पककर तैयार हैं सीड्स, उनको हम कलेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको इनको तोड़ लेना है। ये जो हरे हैं उनको नहीं तोड़ना है, और जो सूख चुके हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। और इन सीड्स को कलेक्ट करके रेनी सीज़न में फिर हम इनसे तुलसी लगाएंगे। मैंने हर जगह तुलसी लगा रखी हैं, क्योंकि तुलसी का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ भी है। ये बिल्कुल हरी हो रही हैं, इस समर सीज़न में भी तुलसी हरी भरी हो रही हैं। देखिए सभी जगह मैंने तुलसी के प्लांट लगा रखे हैं। कोरोना में तो आपने तुलसी का यूज़ जान ही लिया होगा कि तुलसी का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्थ के लिए। यूँ तो तुलसी के ये बीज हैं, ये पिंच कर देना चाहिए ताकि वो घनी बनी रहे, लेकिन यदि आप उसके बीज कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ एक तुलसी में, जैसे कि मैंने ये बीज लगे रहने दिए थे, तो ये बीज लगे रहने दीजिए और फिर इसको आप कलेक्ट कर लीजिए। वैसे नहीं, इनको आप टिप से हटा दीजिए तो आपकी तुलसी काफ़ी घनी रहेंगी। यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इन सबको आप कलेक्ट करके रख लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, इनको लगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, मैं आपको सारी प्रोसेस, कैसे इसको सीड से लगाएंगे तुलसी को, कौन सी खाद देनी है और इसकी केयर कैसे करनी है, फंगस से कैसे इसका बचाव करना है, ये सारी बातें मैं फिर आपको दिखाऊँगी। मेरे गार्डन में कम से कम 25 से 50 प्लांट तुलसी के लगे हैं, जिनका मैं डेली यूज़ करती हूँ। विंटर सीज़न में तो कुछ ज़्यादा ही उपयोग होता है, इसके अलावा बारिश के सीज़न में भी बहुत उपयोग करती हूँ। इन सीड्स को आप इकट्ठा करके और सॉइल मिक्स में डालकर लगा दें, आसानी से लग जाते हैं। तो ये मैंने सीड कलेक्ट कर ली है तुलसी के,